Okay, Mineshan ji. Namo Vitragai. Namo Vitragai. Namo Harihantanam. Namo Harihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajrayanam. Namo Vajrayanam. Namo Loe Sava Sahunam. Namo Loe Sava Sahunam. Aiso Panchan Mukkaro. Aiso Panchan Mukkaro. Sauvapa Vappanasano. Sauvapa Vappanasano. Manglanam. Manglanam cha sauve sim. Parvam havai mangalam. Parvam havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya. Om vasudevaya. Om namah shivaya. Om namah shivaya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद. जय सुरेश जी. थैंक यू. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद प्रभु. बोलिए. क्वेश्चन करूं क्या? वो आप इसीलिए तो आपको बुलवाया है. बोलिए बोलिए. मेरा क्वेश्चन ऐसा है. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बोलिए. हाँ, ये मोह माया और लालच, ये इसमें तीनों में अंतर क्या है साहब, और ये क्यों मनुष्य में भरी रहती है साहब? चलो आपने ब्रेक अपने आप आई है. हाँ? नहीं नहीं, ये तो आई है, जन्म से आई है. चलो आपने नहीं भरी है. अपन ने नहीं भरी. अच्छा, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना. नहीं नहीं, मगर ये डिस्चार्ज में आती रहती है ना घड़ी घड़ी. बात समझने की क्या है कि वो माया लालच वो सब अलग ही है ना. हाँ. जैसे शब्द अलग है वैसे उसका अलग का मीनिंग अलग निकलता है ना. नहीं, वो क्यों ऐसे मनुष्य में घड़ी घड़ी है ना, उसको विचलित कर देती है. तो वो विचलित करते हैं, हम खुद विचलित होते हैं. हम खुद विचलित हो जाते हैं मोह में. या हमें समझने का क्या है? नहीं नहीं, क्यों होता है मनुष्य को, क्यों ये घड़ी घड़ी प्रॉब्लम देती है? इतने ये जो हमारा गुण नहीं है तो हमारा गुण मान लिया ना. ये क्या हम लोग क्या डिस्चार्ज में लेके आए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है? जो भी माल लेकर आए तो अभी का माल तो नहीं है, पहले का है. पहले का भरा हुआ माल है. अभी जो भरा हुआ माल है वो जो भी माल है, लेकिन किसका है? आपका है कि सुरेश जी का है? सुरेश भाई का है. तो सुरेश भाई का भरा हुआ माल है, तो हमारा तो माल है नहीं, तो उसमें हमें टेंशन क्यों लेने का? यार टेंशन क्या है, उसके कारण है ना, वो घड़ी घड़ी शुद्धात्मा भूल जाता है. तो सुरेश भाई शुद्धात्मा भूल जाते हैं. हाँ, कि भाई अपने शुद्धात्मा पद पे आ जाओ ना. कहाँ चला जाता है घड़ी घड़ी शुद्धात्मा वो सुरेश भाई? सुरेश भाई शुद्धात्मा पद में कैसे आएंगे? हैं? सुरेश भाई शुद्धात्मा पद में कैसे आ सकते हैं? नहीं नहीं, उसको तो रहना चाहिए ना शुद्धात्मा पद पे, घड़ी घड़ी आना चाहिए ना, अपनी जगह पे रहना चाहिए. मगर वो घड़ी घड़ी मोह माया के चक्कर में पड़ जाता है. इसलिए यहाँ पहले बात ये समझ लो कि जो सुरेश जी है वो टेम्पररी है. टेम्पररी है, बराबर है. कैसे भाई, वो तो दूर से देखते रहते हो उसको. नहीं ऐसा नहीं, मैं क्या मैं आपको क्या पूछा, सिंपल क्वेश्चन पूछा हूँ कि आप शुद्धात्मा हो कि सुरेश जी हो? मैं शुद्धात्मा हूँ. अभी आप शुद्धात्मा है, आप टेम्पररी है कि परमानेंट है? परमानेंट है.
तो परमानेंट कभी टेम्पररी हो सकता है? नहीं नहीं मगर दोनों एक साथ में है ना साहब। हाँ दोनों साथ में, उसकी मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन बात तो समझनी पड़ेगी, जो टेम्पररी है वो परमानेंट नहीं हो पाता है, और परमानेंट और टेम्पररी नहीं बन पाता है, बराबर वो चीज संभव ही नहीं है ना। बराबर बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, ये मोह माया लोभ जो भी लालच जो सब सारी भरी हुई है वो सूरज जी का माल है। और सूरज जी का माल क्यों भरा था? देखिए पहले वो अच्छा लगता था, हमारा अभिप्राय उसके पक्ष में था, अच्छा, तो उसके कारण ये सारा माल भरा है। बराबर। अभी ये मोह के कारण, माया के कारण, लालच के कारण मार खाना खाना पड़ता है। नहीं नहीं मार अच्छा किसको, मार किसको बोलते हैं आप? ये मार तो अलग आ गया शब्द। आप सूरज जी हो जाएंगे तो ये सब पे असर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्रोध मान माया लोभ राग के सभी के असर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं हमको क्रोध मान माया लोभ तो एक अलग चीज हो गई था, ये एक अलग सेपरेट हो गया। मेरे को क्या है कि ये लोभ माया लालच ये क्यों रहती है, क्यों क्यों आ जाती है घड़ी घड़ी, ये जानना है। मतलब आपकी बात सही है, लेकिन इसमें समझने का क्या है? हाँ कि लोभ है वो ग्रीड है, ग्रीड। अच्छा बराबर है। लोभ आया कहाँ से? आमतौर पे क्या होता है कि मुझे सुख पाना है, सुख पाना है, सब जगह सुख पाने की जो ज्यादा इच्छा होती है, फिर विनाशी चीज वस्तुओं में से भी सुख पाने का प्रयत्न रहता है और अविनाशी में भी रहता है, दोनों में। लेकिन ज्यादा करके जो लोभ है वो विनाशी चीज में से पाने का हमारा प्रयत्न चलता रहता है। बराबर। क्यों? क्योंकि हमारी पीछे की जो मान्यता थी, पीछे की मान्यता कहाँ पड़ी हुई थी? लेकिन मैं ही मीनस उसी में पड़ी हुई थी। मतलब मीनस होकर विनाशी होकर सारी सारा व्यवहार कर रहे थे, कर्ता पद की बांध के साथ का सारा व्यवहार था, इसके कारण ये क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह माया लालच सबके बीच पड़े हुए हैं। तो पहले वो सारी चीजें अच्छी लगती थी, उसी में सुख लगता था। बात समझ में आ रही है? अभी ख्याल में आता है कि ये फायदा वाली बात नहीं है, ये तो बोझा है। तो पहले बोझा किसको लगता था? नहीं नहीं जब से मनुष्य मैंने समझ में आई बात, कोई भी बात समझ में आई मनुष्य को, तो उसको ये मैंने माया और लोभ और लालच के चक्कर में पड़ जाता है। अब चक्कर में क्यों पड़ता है? जो सही नहीं है वो सही लगता है, उसके कारण ये सारा व्यवहार चालू होता है ना, कि इतना लालच कर लूं, इतनी मोह माया प्राप्त कर लूं, फिर बाद में बंद कर दूंगा, मगर वो कभी बंद होती नहीं है साहब। उसकी बात आपकी एकदम सही है, 100% सही है। तो उसका मूल कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान कौन सा? देखा अपने स्वरूप का अज्ञान, मैं कौन हूँ वो जाना नहीं है, तो मैं ही सुरेश ही हूँ, ये सब मेरा ही है, मुझे ही सारा व्यवहार करने का है, निभाने का है, उसके आधार पर वो सारी चीजें चिपक गई थी पहले, वो हमें अच्छी लगती थी, उसके बिना चलता नहीं था, खाना नहीं मिला था चलता था, लेकिन पैसा नहीं है तो नहीं चलेगा। और ये लोभ लालच चीज कैसी रहता है? जितना पाओगे उतना आपको कम ही लगेगा। नहीं तो उसको बंद कैसे करने का, परमानेंट बंद कैसे हो? ये बंद करने जाएंगे तो बंद होगा? नहीं होता है ना वो, तो बंद करने जाएंगे तो बंद नहीं होगा। नहीं तो उसको बंद करने का कोई उपाय है क्या? हाँ उपाय है ना, उसका रूट कॉज बंद हो गया। नहीं नहीं बंद होता है, बंद होता ही नहीं ना। हम नहीं, बंद हो रहा है, लेकिन आपको
वो बात समझ में आनी चाहिए ना। ठीक है, पहले आप ही सूरज जी थे, आपको भान हो गया कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ, सूरज जी मेरे से अलग है, बराबर है। जो स्वरूप का अज्ञान था वो अज्ञान चला गया। ठीक है, अभी जो माल निकल रहा है वो कौन सा माल है? तो पीछे जो भरा हुआ था अज्ञानता की वजह से जो भरा हुआ था, जहाँ जहाँ सुख की हमें बात ही लगती थी, मान्यता थी हमारी, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, वो सारा माल अभी बाहर निकल रहा है। और लोभ के रूप में, माया के रूप में, मोह के रूप में, लालच के रूप में, हर अलग अलग तरीके से माल निकल रहा है। ठीक है, जैसा माल भरा था उस प्रकार का माल अभी बाहर निकल रहा है। ठीक है, अभी अंतर कितना है? ठीक है, पहले ऐसा था कि ये माल मेरा है, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे साथ ये सब व्यवहार हो रहा है, ये समझ के साथ कर रहे थे। अभी क्या हुआ? ठीक है, अभी हाजिर रहता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये जो माल बाहर निकल रहा है वो मीनस का है, मेरा नहीं है। अभी जब वो माल मेरा कब तक माल निकलेगा? ये माल कब तक निकलेगा? माल ये क्या है कि कहीं इंडस्ट्री होती है ना, तो कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, कोई मीडियम स्केल होती है, कोई लार्ज स्केल होती है, कोई ग्लोबल स्केल की होती है, बराबर ये लिमिटेड फैक्ट्री है। हर एक की लिमिट अलग अलग होगी ना। सही बात है, सही। तो हम तो इतने अच्छे लोभी थे, पक्के लोभी थे, बराबर। तो पक्के लोभी मीन्स कैसे? ठीक है, वर्ल्ड के जितने सारे वेयर हाउसेस थे वो एक्सक्लूसिवली हमने बुक कर दिया था, ये हमारा माल ही इसमें रहेगा, दूसरे किसी का माल नहीं रहेगा, बराबर बराबर है। माल भरा है अपने, अभी आपने डिसाइड कर दिया कि माल अभी चाहिए नहीं मुझे, कि दुकान अभी बेच देने की है, वेयर हाउसेस बेच देना है, बराबर। माल चाहिए नहीं तो माल आप खाली कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसका एंड आएगा कि नहीं आएगा? नया प्रोडक्शन नहीं कर रहे अभी, एंड अपने आप आएगा कि एंड लाना पड़ेगा? नहीं, माल बेच देना पड़ेगा, वेयर हाउस खाली करना पड़ेगा। आपने वो तो सेल लगा ही दिया है। ये तो क्या है कि हमारा माल तो इतना अच्छे ढंग का है, अच्छी किस्म का है कि लोग आके देख के चले जाते हैं, ये तो बहुत हाई क्वालिटी का है, इससे हमें नहीं चलेगा। मैं उल्टा बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, बराबर बराबर। नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि माल बहुत हाई क्वालिटी का है, इससे कोई लोग आके देख कर चले जाते हैं, ये माल हमें पसंद नहीं आ रहा है, बराबर नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो। नहीं, रवीश माल है, रवीश माल कौन लेगा? बराबर, बात ख्याल में आ रही है? आपको कोई माल किसी को देने का है तो गलती से तो आपके लेबर ने मिक्स करने में गड़बड़ कर दी, तो माल सब स्टैंडर्ड हो गया, तो आप माल भेजेंगे उसको? नहीं नहीं, इसका कोई एक मूल कारण है क्या कि लोभ माया लालच कम हो? मूल कारण अज्ञान, स्वरूप की अज्ञानता। नहीं, कुछ है इसका कोई सूत्र है कि ये सूत्र को पूजा करो या इसको बोलो भजो तो ये सब कम हो जाएगा? आपके भीतर के भगवान को भजो, बस यही एक उपाय है उसका, बस बस बस, शुद्धात्मा में रहने का। हेलो, शुद्धात्मा में रहकर सूरज जी के भाग में क्या क्या हो रहा है उसको देखने और जानने का, बस बस, उसका कुछ करने का नहीं है। बराबर बराबर। तो क्या होगा? फंसते जाओगे। चले करने जाएगा, करने का आपका स्वभाव है नहीं, आपका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, और करने जाएंगे तो क्या होगा? ये फंस जाएंगे। बराबर, फंस जाएंगे। नहीं नहीं, आप लोगों को तो बहुत इजी कर दिया। नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो महात्माओं की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सभी महात्माओं के लिए कितना आसान कर दिया,
दादा भगवान ने क्या बताया, जो माल है भरा हुआ वो मेरा नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, बस इतना ही अलग कर दो, ये माल मीनस का है, गलत निकल रहा है तो भी मीनस का माल निकल रहा है, मेरा नहीं है और मैं मीनस नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बस इतना रहा तो बाकी क्या रहा, कुछ करना पड़ेगा। बराबर यार, पहले सारा व्यवहार कर्ता पति मान्यता के साथ का था, अभ्यास स्थिति क्या है, कर्ता पति मान्यता चली गई, फ्रैक्चर हो गई, और कैसे फ्रैक्चर किया दादा भगवान था कि दोबारा ज्वाइंट नहीं हुए इस प्रकार की। अभी जो ज्वाइंट होने वाला ही नहीं वापिस, उधर लाख प्रयत्न करेंगे तो वापिस हो पाएगा, ज्वाइन होगा ही नहीं। लेकिन क्या है, लेकिन जो पीछे का भरा हुआ माल है, हमारा खुद का भरा हुआ माल है, इसे हमें क्या लगता है, तो मेरी आवाज है, मैं ही कर रहा हूं, मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसी भांति हो जाती है भीतर खड़ी। इसलिए दादा भगवान उसको क्या बताया कि जो अभी जो सारे परिणाम आ रहे है रूपक में, वो क्या है, वो सारे भाष्यमान परिणाम है। डेजर्ट में जाते हैं तो मृग जल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मृग जल बोलते हैं ना हिंदी में, क्या बोलते हैं, कोई ओएसिस को क्या बोलते हैं, नहीं समझ में नहीं है, मृग जल, अच्छा अच्छा मृग तृष्णा बोलते हैं उसको, अच्छा मृग तृष्णा, तृष्णा कभी छिपती है, पानी दिखता है, यही पानी आगे जाओ तो पानी मुंह में आता है, नहीं आता, प्यास छिपती है, नहीं नहीं, ये सब कुछ जानते हुए भी है ना आदमी क्यों इसमें पड़ता है, जिससे जान लिया है वो कभी मार खाएगा नहीं, नहीं नहीं वो जान भी लेता है फिर भी है ना ये लालच मोह माया उसमें फिर फंसता ही जाता है, इसका कारण क्या है जी, ये कैसा तो है, समझता नहीं है कि क्या माने, अरे इसमें बात समझ की क्या है कि सही में ये सारी बातें हमें बंधन रूप होती है, वो हमें तारण के रूप में फिट हुआ है, तारण निकला है हमें, अगर तारण के रूप में निकला है तो दोबारा वो गलती करेंगे नहीं, बराबर बराबर, संसार में अनंत अवतार से हम भटक रहे हैं, ये पहला जन्म तो नहीं है मनुष्य में, सही बात, सही अनंत अवतार से मार खाते 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 आए फिर भी थके, हड्डी पसिया भी टूट गया फिर भी दुखता नहीं है, कितनी दशा अच्छी है बोलो, उधर तारण ही नहीं निकला है, कंक्लूजन निकलता अगर तो दोबारा मार खानी नहीं पड़ती थी, नहीं नहीं यहाँ की थोड़ी पोलम पोल लगती है मेरे को, अरे वो कंक्लूजन बराबर, कंक्लूजन वो कंक्लूजन ढंग से नहीं निकला है, इसे समझ पक्की नहीं हुई है, खाली बुद्धि हमें क्या दिखाती है कि भाई हमें तो तारण निकल गया अभी दोबारा मार नहीं खानी है, लेकिन तारण कैसा, खाली सुपरफ्लूस ऊपर ऊपर से, अभी सुपरफ्लूस तारण निकलेगा तो कैसे वो बंद होगा, बराबर बराबर, आज मैंने कुछ गलती की, मैंने झूठ बोल दिया, अब मुझे कोई बोलेगा कि नहीं आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए आपकी गलती है, तो उसके सामने तो मैं बोलूंगा हाँ आपकी बात बहुत अच्छी है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर बाद में मैं क्या बोलूंगा, झूठ नहीं बोलेंगे तो माली नहीं बिकेगा, तो ये जो भाषा में चलता है व्यवहार उस भाषा में बात करनी पड़ती है, ऐसा क्यों होता है, वो वकालत किससे की, बुद्धि ने, हमने इमोशन के, हमें इमोशन किससे किया, मीनस को इमोशन कौन कर रहा है, उसकी बुद्धि इमोशन कर रही है, और इमोशन करके उसको ज्यादा संसार में डूबा रही है, अच्छा अभी वो डूबा रही है, ऐसा किसी को लगता है कि मेरी बुद्धि मुझे डूबा रही है, नहीं लगता है, बात यह समझने की है, वो
क्रोध मान माया लोभ या लोभ लालच है वो आपको नहीं फंसा रहे, आपके खुद की बुद्धि आपको फंसा रही है। और वो तो मैं कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी बुद्धि मुझे फंसा रही है। इससे कविराज को लिखना पड़ा पद में, मित्र ने स्वांगे मही दुश्मन छे त्या दादा ने संभारो, मेरी जमा तू हवरी हवरी ऊंदा रस्ता बतलावे, चढ़े आमरो मन वंटोरे त्या दादा ने संभारो। बराबर, ये बात समझने की है, हमारी बुद्धि हमें वकालत करके वापिस मोक्ष मार्ग की ओर से वापिस संसार की ओर खींच के ले जा रही है। जब उधर जागृत है तारण निकला हुआ है तो दोबारा मार नहीं खाएंगे, तो तारण निकला है वो उसका मीनिंग क्या होता है, दोबारा तारण निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो समझ 100% पक्की हो गई है। दूसरे दर्शन में बात आपको समझाऊं, आपके पॉलीमर्स की लाइन है बराबर है, आपको कुछ भी काम करना है तो किताबें लेके बैठते आप? अभी तो नहीं बैठते, पहले बैठते थे। अभी नहीं बैठते, अभी का ही मैं पूछा हूँ आपको। अभी तो सब माइंड में फिट हो गया, एक्सपीरियंस विजन खुल गया इतना, मतलब अंदर 100% फिट हो चुका है ना। बिल्कुल, आपको 100% फिट हो चुका है इसलिए आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है भाई, लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती, और कुछ रिफर नहीं करना पड़ता है। राइट राइट, उसी तरह से यहाँ भी समझ 100% पक्की हुई कब बोल सकते है, क्योंकि फिर कुछ भी रिफर करना नहीं पड़ेगा। रिफर कब नहीं करना पड़ेगा, जब आप कंफ्यूज नहीं है तो आपको कुछ रिफर नहीं करना पड़ेगा। कंफ्यूज कब नहीं होंगे कि जब आपको तारण निकला है, कंक्लूजन निकाला हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सीधी सरल बात है, इसका पसाव पता चलता है कि हमारी समझ कितनी पक्की है, इस मामले में समझ कितनी पक्की हुई है। अगर पक्की हो गई है तो दोबारा मार नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन आदमी क्या होता है, मनुष्य ना घड़ी घड़ी स्लिप हो जाता है, सोचता है कि नहीं करना ये सब काम, फिर भी स्लिप मारता है, तो इसका कुछ कारण क्या है, कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। वो गाड़ी में भी ब्रेक स्लिप नहीं मारता है? हाँ स्लिप मारता ना ब्रेक। क्या करते है? बस संभलते है अपने को, खुद को संभालने का। नहीं उधर क्या करते है, गाड़ी में बेल्ट स्लिप मारता है क्या करते है, फिर बेल्ट लूज हो गया तो टाइट करते है। बस टाइट करते है उसको घड़ी घड़ी, तो वैसे यहाँ भी समझ है ना, वो टाइट करनी पड़ती है, टाइट करना पड़ती है। राइट राइट, हमारी समझ किसके समझ के साथ मिलाने की है, क्योंकि वितरागो की दादा भगवान की समझ के साथ हमारी समझ मिल गई है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम खड़ा ही नहीं होगा। राइट राइट, और बेल स्लिप क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी तक समझ पक्की नहीं हुई है, इससे स्लिप मार रहा है। चलो जय सच्चिदानंद, बात समझ में आ गई ना अभी? हाँ, टाइट करना पड़ेगा ब्रेक को, बेल्ट को। समझ पक्की करनी पड़ेगी, समझ पक्की की वो टाइट कर दिया, बस बेल्ट टाइट करने का है। पक्की करने में क्या था, समझ सही हो गई 100% दादा की समझ के साथ हमारी समझ मिलती जुलती हो गई तो बिल्कुल काम बाकी बचेगा नहीं ना। राइट राइट राइट, वही ज्ञान दादा भगवान हमें दिया जो उनके पास था। बिल्कुल, कुछ अंतर तो रखा नहीं उन्होंने। नहीं नहीं, आप लोग की वेशभूषा बदल दी ना, तो आप लोगों को एकदम से अलग कर दिया हम लोगों से। अरे आपके जैसे कपड़े परफेक्ट हो गया है, हम लोग तो क्या है जनरल आदमी। हाँ कॉटन का ही पहनते है, दूसरा नहीं पहनते, कॉटन का पहनते है, दूसरा कोई अंतर नहीं है उसमें भाई। हम लोगों को क्या है, घड़ी घड़ी हम लोग की बेल्ट है ना ढीली क्यों हो जाती है पता नहीं पड़ता है। वो तो रबर बैंड खाना अच्छा,
रमा बहन खाना अच्छा नहीं पकाते, डाइटिंग कर हो जाता है। राइट 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 उसी प्रकार से हमारा जो अंतस्करण मन बुद्धि चित्त अहंकार उसको भी डाइटिंग करवाना पड़ता है। राइट 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 जहाँ गलत समझ फिट हुई है वहां समझ पक्की करके उसको डाइटिंग कराना पड़ता है, तब काम होगा ना। बराबर राइट 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बलदेव भाई। जय सच्चिदानंद मिलेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद। मारो आवाज आवे छे? आवे। हाँ मारो प्रश्न ये थे कि मतलब मेरा प्रश्न ये है कि वो जो कहावत है ना कि जैसा व्यक्ति होता है उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे के साथ तैसा बोलते वो? हाँ जैसे के साथ तैसा। बराबर तो अभी क्या पूछना है आपको? हाँ तो मतलब जैसा भी इंसान होता है हम उसके साथ मतलब बुरा इंसान है तो हम उसके साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं तो उसके कर्म बंद पड़ेंगे। क्या आपका शुभ नाम? विधि। जहाँ तक आपकी मान्यता कि मैं प्रीति जी हूँ वहां तक आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, जहां तक कर्ता पद की बात ही है कर्ता पद की मान्यता चालू है वहां तक नए कर्म के भी। अभी बात समझो कि जैसे के साथ तैसा वो बात व्यवहार की है। देखिए व्यवहार में क्या होता है कि व्यवहार में इसी तरह से ही चलता है कि सामने वाला सीधा चलता है हम सीधे चलेंगे, सामने वाला टेढ़ा होता है हम बोलेंगे भी हमको भी टेढ़ा ही चलना पड़ेगा, सीधे चलेंगे तो हमारा मिसयूज करेगा। लेकिन सही मायने में देखो देखिए ये जो ज्ञान है ना वो व्यवहार के लिए बराबर है। लेकिन जिसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है उसके लिए वो ज्ञान सही नहीं है। अच्छा क्यों? भाई कोई आके कुछ भी गलत व्यवहार करता है खराब व्यवहार करता है तो क्या हमें हमारी अच्छाई छोड़ देनी चाहिए? नहीं हमें तो हमारी अच्छाई मतलब चालू ही रखनी चाहिए। हमारी जो सरलता है हमारी जो अच्छाई है वो हम छोड़ देंगे तो हमें कमाई होगी कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो ये इतना ही समझने का है? अभी मान लो कि घर में सांप घुस रहा है, दरवाजा खुला है और सांप घुस रहा है तो उसको बोलने के आओ आओ आपका ही घर है? नहीं देखो उधर लकड़ी दिखा के उसको बाहर निकाल सकते है। पर जैसे सांप काटता है वैसे सांप को काटने के लिए जाने का? नहीं नहीं वो तो हमें ही नुकसान होगा फिर। लो हम उसको काटने के लिए जाएंगे उसके ऊपर वो हमें काटेगा? यह बात समझने की क्या है? तो कि यार हमें छूटना है हमें आगे बढ़ना है इसलिए हमारी समझ क्या होनी चाहिए कि जो सामने व्यवहार आ रहा है उन्हें जमा करो। वो जमा कर लिया हमने तो भीतर नेगेटिव चलेगा कि पॉजिटिव चलेगा? नेगेटिव चलेगा। नहीं नहीं ये जमा कर लेंगे तो पॉजिटिव चलेगा कि नेगेटिव चलेगा? नहीं जमा करेंगे तो पॉजिटिव चलेगा वरना तो फिर नेगेटिव थिंकिंग ही आएगी। बराबर है। अभी नेगेटिव थिंकिंग करे वो कमाई हुई कि नुकसान हुआ? नुकसान। अभी संसार में हम आए तो कमाई करने के लिए आए कि नुकसान करने के लिए आए? संसार में आए हम कमाई करने के लिए। और कमाई साथ में आए ऐसी चाहिए कि यहाँ छोड़ के जानी पड़े ऐसी चाहिए? साथ में आए ऐसी। तो साथ में कब आएगी? तो कि जब आप पॉजिटिव रह के उधर व्यवहार करते हैं तो उधर आपका पॉजिटिव हिसाब बनेगा।
और नेगेटिव होके व्यवहार करेगा तो नेगेटिव हिसाब बनेगा। हाँ। तो आगे जाके वो नेगेटिव का भी अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, तो नेगेटिव का अकाउंट सेटल करने में मेहनत ज्यादा पड़ेगी ना। हाँ, वो तो मेहनत होगी। और पॉजिटिव सेटल करने में मेहनत ज्यादा पड़ती है? नहीं, पॉजिटिव में नहीं पड़ती। इतना ही समझने का है। हाँ, मतलब वो जो इंसान हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, तब ऑन द स्पॉट हमारे माइंड में वो ही आ जाता है, ये तो हमेशा हर बार हमारे साथ ऐसा करता है। फिर वो मतलब हमें माइंड में ऐसा आ जाता है कि इसके साथ अब बात नहीं करनी है, हमें इसे बुलाना नहीं है, हमारी जो भी मतलब इसके साथ जो रिश्ते है नाते है सब तोड़ देने हैं। देखो, व्यवहार रखना नहीं रखना वो बात अलग है, व्यवहार करना नहीं करना बात अलग, लेकिन भीतर बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर भीतर बिगड़ रहा है तो उधर आप लॉस कर रहे हैं। बाहर जो व्यवहार आप कर रहे हो वो आपके हाथ में है। बाहर का व्यवहार तो हाँ हमारे ही हाथ में है। हमारे हाथ में मतलब हमारा जो माइंड कहने को करता है वो हम कर देते हैं। चलो आपके हाथ में, मैं बोलता हूँ अभी लड्डू बनाओ। हाँ। और सभी महात्मा अभी ऑनलाइन है ना, सबको प्रसाद बांट दो। नहीं, वो तो नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वो लोग तो ऑनलाइन है। बाहर का व्यवहार मेरे हाथ में, तो लड्डू बनाओ तो बाहर का व्यवहार है ना, और सबको हाँ। प्रसाद बांटना वो भी बाहर का ही व्यवहार है ना, तो क्यों नहीं कर पाते? पॉसिबल नहीं है वो बात, यार ये समझने की है। हाँ। जैसे लड्डू बना के बांटना अभी पॉसिबल है, लेकिन आप बैठे बैठे नहीं कर सकते। हाँ। तो सभी सामग्री चाहिए, संजोग चाहिए, सब चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, सब साथ। लड्डू बनाना आता है तभी बना पाएंगे। हाँ। तो लड्डू कभी बना नहीं तो कैसे बनाएंगे? हाँ। तो लड्डू की जगह दूसरा कुछ बन जाएगा। हाँ, सही है। अभी जैसे आप लड्डू नहीं बना सकते सिद्धांत समझो, हाँ। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अपने आप? नहीं, अपने आप मीन्स अपनी स्वतंत्र सत्ता से कुछ भी कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, कब कर सकता है? तो कि जब सारे संजोग उसको मिलते हैं तभी। हाँ। अभी हमारे सभी का अगर खाने का हिसाब होता तो आप लड्डू बना के खिला देते थे। हाँ। लेकिन हमारा खाने का हिसाब है, ऑनलाइन तो खा नहीं सकते ना। हाँ। देख सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। हाँ। तो वैसे यह बात समझने की क्या कि जब सारे संजोग इकट्ठे होते हैं, हाँ, पॉजिटिव संजोग इकट्ठे होते हैं तभी कोई काम बनता है। जी। अभी एक भी संजोग कम है तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। इसका अर्थ क्या होगा कि वो आपके हाथ में या सामने वाले के हाथ में है? नहीं, कोई किसी के भी हाथ में नहीं है। तो जब किसी के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में भी नहीं है, तो फिर हमें उसका टेंशन करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कर देगा, ऐसा करेगा, ऐसा कर रहा था पहले, ऐसा कर रहा था, ऐसा किया था। हाँ। तो सारी बात कब हो पाई? जब सारे संजोग मिले तब। और संजोग कब मिले? क्योंकि मेरा पिछला हिसाब था, सामने वाले व्यक्ति निमित्त बन रही है, और निमित्त बनकर मुझे मेरे पिछले भारी हिसाब से छुड़ा रही है। हाँ। ये समझ आपको भीतर हाजिर रहेगी। हाँ। तो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव होगा? नहीं, पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव रहेगा तो आप छूट जाएंगे ना जमा करके, जो भी हिसाब है वो जमा कर लेंगे ना? हाँ, जमा कर लेंगे। मुक्त होना पड़ेगा कि मुक्त हो जाएंगे? हो जाएंगे अपने आप। इतना आसान नहीं चाहिए ना। हाँ। तो ये समझ लेने का है। हाँ। सारा संसार जैसे के साथ तैसा करके क्या कर रहा था कि संसार में और डूब रहा है, मार खा रहा है। हाँ। सब बढ़ा रहा है। हाँ। आगे बढ़ा रहा है, और जिसको छूटना है ये समझ के साथ चलेंगे तो क्या होगा कि संसार का विलय अपने आप होता जाएगा। हाँ। इतना ही चाहिए ना। हाँ। तो इतना हो गया तो काम पूरा हो गया। हाँ। और कुछ पूछना है?
नहीं बस जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीप्ति बेन बरोड़ा। बोलिए, आपकी आवाज आती है, बोलिए। दीप्ति बेन चौकसी। जय सच्चिदानंद मिनेसाजान जी। जय सच्चिदानंद। હવે મને પ્રશ્ન એવો થાય છે કે કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશની ચીજ જોઈતી નથી, બરાબર? એનો મને ખુલાસો જોઈએ છે। મને મને દિવસમાં આખો દિવસ એવું આયા કરે છે, એટલે પૂછું છું। એટલે કેવું છે કે કેસા હે કે સંસાર કી કોઈ ભી વિનાશની ચીજ મુજે નહીં ચાહીએ। ये क्या है? देखिए आपका निश्चय किसका? दीप्ति बहन का। हाँ। क्यों ऐसा निश्चय? देखिए अभी बात समझ में आई। देखिए अभी कोई भी विनाशी चीज मुझे चाहिए नहीं, मुझे मेरा केवल अविनाशी सुख चाहिए। हाँ। अविनाशी सुख संसार की चीजों में, ठीक है? नहीं। अभी आप बोलेंगे संसार की कोई भी चीज मुझे चाहिए नहीं तो मिलना बंद हो जाएगा? नहीं, आती तो है। देखो अभी केवल शुद्धात्मा के अनुभव सिवा और कोई भी विनाशी चीज मुझे चाहिए नहीं। ये क्या है? देखिए आपकी डिजाइन है अभी। अच्छा, अभी की नई डिजाइन है। हाँ, नई डिजाइन है। पहले की नहीं? पहले की नहीं। पहले की डिजाइन के आधार पर आज सारी भौतिक चीजें आपको मिल रही है, विनाशी चीजें आपको मिल रही है। हाँ। अभी क्या है कि अभी मैं सुधा तो हमें भान हुआ। हाँ। अभी क्या हुआ था कि अभी जिलेबी खाने के बाद आपको चाय पिलाएंगे तो कितनी मीठी लगेगी? नहीं, आज चल रहा है। मैं सुधा तो भान हो गया आपको। हाँ। तो दीप्ति बहन को संसार का सारा सुख तो जिलेबी खाने के बाद चाय पियो इसके जैसा लगता है। हाँ। इसलिए क्या हो रहा है कि भाई केवल शुद्धात्मा के अनुभव सिवा इस जगत की कोई भी विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए, ऐसा भीतर डिसाइडेड हो जाता है, तय हो जाता है। बात ख्याल में आ रही है? इसका जो नहीं तो जो विनाशी चीज आ रही है उसका त्याग करो, क्या उसको धक्का मारो? ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, धक्का तो नहीं मारने का। हाँ, धक्का नहीं मारने का, जितना जितना जरूरी है उतना लेने का। हाँ। खाना खाने के लिए बैठे, आम का रस बहुत पसंद आता है। हाँ। तो क्या करेंगे, भूख एक कटोरी की है, वो एक कटोरी की है लेकिन दो तीन कटोरी खा लेंगे? नहीं। आपका रस ये सीजन में ही मिलता है? अभी तो लास्ट कह रही है आम चल रही है, फिर बाद में आम मिलने वाली नहीं है, तो यथाशक्ति खाने का ना? ना। क्यों नहीं? लिमिट में खाने का। तो उधर आपको बोलना पड़ता है कोई लिमिट में खाओ, तो आपको ख्याल रहा कि अभी एज बड़ी है, अभी सब चीज लिमिट में होनी चाहिए। हाँ। उसी तरह से यहाँ भी क्या हो रहा था कि यहाँ दीप्ति बहन की समझ में बदलाव आना चाहिए। हाँ। कि संसार की जो चीजें मुझे मेरे लिए जितनी आवश्यक है, हाँ, जिसके बिना चले नहीं, इतना ही मुझे सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए। हाँ। उससे ज्यादा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर? बात ख्याल में आ रही है? हाँ। देखिए इसलिए बता दे कि शुद्धात्मा के अनुभव सिवा इस जगत की कोई भी विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए।
ये विनाशी चीज कोई भी मुझे अविनाशी सुख देने वाली नहीं है। नहीं देखो अविनाशी सुख दे नहीं रही है तो उसमें बैठ के मुझे क्या फायदा मिलेगा, उसके साथ बैठ के कोई उसको पाके मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इतना ही समझने का है। ओके इसका अर्थ क्या, देखिए भीतर अंतस्करण के साथ बात कर करके संसार के विनाशी चीजों के लिए जो रुचि रस और रुचि पड़ी हुई है अंदर वो रस और रुचि बात कर करके कम करने की। देखिए इतना हो गया तो फिर और कुछ करने का बाकी रहेगा नहीं ना। नहीं हमारे मन को अंतस्करण को समझाने का है क्योंकि इसमें क्या फायदा है। मिठाई खाते जहां तक जीप पर होती वहां तक ही टेस्ट आता है ना। थोड़ी खाने की तो उसका हर जीप पर होती तक टेस्ट आता है, पर जैसे जीप के नीचे उतर गई बाद में टेस्ट आता है उसका नहीं आएगा। तो कितना टाइम जीप पर रहती है, 24 घंटा रखते हैं? 2 मिनट 1 सेकंड रहता है। 2 मिनट भी नहीं रहती है तो बंदा 20-25 सेकंड तक ही रहता है ज्यादा से ज्यादा। बात समझ में आ रही है? हाँ आई आई। देखो भाई अभी मान लो कि जलेबी आपको बहुत पसंद आती है, आपने जलेबी खा ली पेट भर के खाई तो 10 मिनट के बाद वॉमिट हो गई और फिर अच्छा लगता है कि चलो वॉमिट हो गया अभी अच्छा लगता है तो कोई बोलेगा कि भाई ये जलेबी है खा लो वापिस? तो नहीं खाएंगे। वो बाहर निकली, वो तो बाहर ही निकली ना, और कुछ तो हुआ नहीं है ना। नहीं मुंह से ही बाहर निकली है, पीछे से तो बाहर नहीं निकली है। नहीं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना खाने में? नहीं खाना ही नहीं है ना। क्यों एक बार निकल गई भी खाने का मन ही नहीं होता ना। तो 10 मिनट के पहले वही खाई थी तभी तो बहुत पसंद आ रही थी हमें। हाँ तो पहले पसंद आती थी अब नहीं आ रही ना। अच्छा पहले वो पीछे वाली अवस्था नहीं दिखती थी? हाँ ये मुंह में जाने के बाद क्या उसकी दशा होगी स्थिति होगी वो समझ में नहीं था इसलिए उसके लिए लगाव था ना विनाशी चीजों के लिए। रस सूची इसलिए था ना। अभी ये बात हमें समझ में आया कि भाई ये जो मुझे भी जो चीज पसंद आ रही है मैं पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है और एंड रिजल्ट दिखाई पड़ेगा तो फिर वो पाने का प्रयत्न कितना हो रहेगा फिर उसके बाद नहीं रहेगा कम हो जाएगा। तो फिर वो पक्का करना पड़ेगा कि केवल शुद्धात्मा का अनुभव सिवा इस जगत की कोई भी विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। नहीं लेकिन आ ही रहा है ऐसा रटा नहीं आ रहा है। आप आ क्यों रहा है तो कि पहले हमने उसका टेंडर भरा है माल का ऑर्डर प्लेस किया इसलिए भी सप्लाई तो आएगा ना। आएगा तो कि भाई सप्लाई आएगा लेकिन क्या करने का जितना जरूरी है उतना यूज करने का ठीक है। और साथ में क्या रखने का दीप्ति मन को बोलने का कि भाई आपकी जितनी शक्ति है उतना खाओ पियो मजा करो लेकिन उसके साथ बह मत जाओ। बराबर अभी कुछ प्रॉब्लम रहेगा नहीं ना। नहीं रहेगा इतना ही चाहिए और क्या। बहुत सारा समाधान हुआ। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा समाधान हुआ मीनेशानंद जी। बराबर बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल्पना बेन बरोड़ा। जय सच्चिदानंद।
अल्पाबेन आवाज नहीं आती है अल्पाबेन आप बोल दो आप रिपीट कर दो हाँ वो बोलता है मैं जो कोई भी चीज लेता हूँ ना मेरी बहन ले लेती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए ये अच्छा नहीं लगता मुझे उसके पास देश आता है तो मुझे नहीं करना चाहिए ना मैं दादा से क्या प्रार्थना करूँ आप बड़े कि आपकी सिस्टर बड़ी है कौन बड़ा है आप बड़े कि आपकी सिस्टर बड़ी है मैं जो बड़ा है उसकी समझ ज्यादा होती है कि छोटे उसकी समझ ज्यादा होती है कि उसको जो समझ वाला है वो छोड़ेगा कि जो कम समझ वाले वो छोड़ेंगे कौन छोड़ेगा ज्यादा समझ वाला छोड़ेगा कि कम समझ वाला छोड़ेगा आपकी समझ तो ज्यादा है ना आप तो बड़े हैं आपको छोड़ देने का बहन मांगती है तो दे देने का ये कैसा है कि आप दूसरों को देते रहेंगे तो आपको वो चीज वापस मिलेगी आप दूसरों को देंगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगी बराबर है और कुछ पूछना है दूसरा कुछ नहीं ये नियम कैसा है कि जितना आप दूसरों को देते रहेंगे बांटते रहेंगे उतनी चीजें आपको मिलती रहेगी और एक बात और समझ लो कि वो जितना उसका उपयोग करेंगे उसमें जितना आनंद आता है उससे ज्यादा आनंद दूसरों को देने में आना चाहिए आप दूध आप आपके सबको गिफ्ट देते कि नहीं देते देते पार्टी देने का डिसाइड करते तब से ही आनंद होता है कि नहीं होता है पार्टी बर्थडे तो एक हफ्ते के 15 दिन के बाद है लेकिन डिसाइड कर दिया कि भाई 15 दिन के बाद जब बर्थडे आते है मुझे पार्टी देनी है सबको तो तभी से आनंद होता है कि नहीं होता है होता है पार्टी देने से पहले ही आनंद हो जाता है तो कि आप दूसरों के लिए वो सब चीज छोड़ रहे हैं इसलिए आनंद होता है देखिए यहाँ इतना ही समझ है कि मुझे जो चीज चाहिए वो मैं पहले दूसरों को दे दू वो चीज मुझे दोबारा मिलेगी इतना समझ में रखने का बराबर है सिस्टर छोटी है तो उसकी समझ कम है तो उसको पकड़ रहेगी कि नहीं आग्रह रहेगा कि नहीं रहेगा कि नहीं ये तो मुझे चाहिए ही और जो आप कर रहे हो वही चाहिए दूसरी नहीं चाहिए जय सच्चिदानंद और किसी को प्रश्न और किसी को प्रश्न बोलिए जया बेन से समथिंग यू कैन आस्क इन इंग्लिश बोलिए एनीबडी यस से समथिंग आई कैन वी कैन हियर यू ओके किसी को प्रश्न बोलिए समय जा रहा है शबनानी जी ओ मिसेस बंसल बोलिए बोलिए जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद भरत भाई मेरे को एक बात पूछनी थी
कि जैसे एक तो कोई दोष कर देता है और दूसरा उसको कहा जाता है कि गुनाह हो गया, तो उन दोनों में क्या फर्क है? दोष में और गुनाह में क्या फर्क है? दोष करने में और गुनाह करने में, उसका मुझे जरा समझाइए। चलिए ये कैसा है जी, जो गुनाह है हाँ जी वो तो जिम्मेदारी ज्यादा है। अच्छा, किस टाइप की जिम्मेदारी? जिम्मेवारी मीन्स उधर हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर कर रहे हैं, हमारे कंधे पे ज्यादा भार उठा रहे हैं, हम उसका बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। और जो दोष है वो उसके कंपैरिजन में लोअर लेवल का है। तो गुनाह का मतलब क्या करते हैं तब गुनाह होता है? अज्ञानता की वजह से ये दोष गुनाह सब होता है। अभी जब आप दोष के पक्ष में रहते हैं तो आपका अभिप्राय गलती के पक्ष में रहा तो उसके तीव्रता बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, वो आगे हिसाब हमने बढ़ाया उसका तो दोस्त को हमने बढ़ावा दिया। ठीक, अभी ये समझ, ये ज्ञान के समझ के बाद हमें ख्याल में रहता है कि ये माल किसका है, क्योंकि मिसेज बंसल जी का है, मेरा नहीं है। कुछ भी गलती होती है गलती का पक्ष लेते हैं, ले लेते हैं, कभी कभी पक्ष ले लेते हैं, मैंने ठीक किया। हाँ, कभी गलती का पक्ष ले लिया, लेकिन फिर बाद में तो पता चलता है कि ये मेरी गलती हो गई। हाँ, पता चल जाता है, पता फौरन चलता है, आजकल बहुत जल्दी पता चलता है। पहले पहले तो सालों तक पता नहीं चलता था जी, ये बात बिल्कुल सही है। और अभी अभी तो घंटों मिनटों में पता चलता है ना। हाँ जी, पता चलता है, इतना प्रोग्रेस हो गया ना। हाँ जी, तो कीमत किसकी है कि हमें फाइलम बैग को अपनी गलती का एहसास होता है, रियलाइजेशन होती है, और रियलाइजेशन होने के बाद वो गलती का पक्ष नहीं लेते है, पक्ष छोड़ दिया, वो सबसे बड़ी कमाई है ना जी, वो इतना ही चाहिए ना। ठीक है, मैं सुधा तो हाजिर रहेगा तब नए बीज बोएंगे ना इन कर्म के जी। अब मान लो कि उस समय जागृति नहीं भी रही हो, बाद में भी आपको ध्यान में आ गया कि नहीं भाई वो जो सारा व्यवहार किया, लेकिन वो किसने किया था कि मिसेस बंसल जी ने किया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो उसी के साथ वो सेपरेट करना पड़ेगा कि अपने आप हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। तो अपने आप हो गया, फिर कुछ करने का बाकी रहेगा? नहीं, कुछ नहीं करने का बाकी। वो तो मिसेस बंसल जी का बोलेंगे भी, वो बीच में जो बादल आ गया था, वो बादल आ गया, उसमें अंधेरा हो गया, उसमें जो गलती आपने की, गलती का पक्ष लिया था, उसको रिपेयर कर दो आलोचना प्रतिक्रम प्रत्याख्यान करके जी। और फिर वो गुना में जाएगा नहीं ना। दूसरी तरह से बताऊं कैसा है, सामान्य रूप से जो गलती होती है जी, उस गलती को हम हमारे क्रिमिनल माइंड से, अच्छा, या सामने वाले का गलत लाभ उठाने के लिए हम कुछ भी प्रयोग करते हैं हमारी समझ का, बुद्धि का, ठीक है, वहां गुना लागू हो जाता है। कुदरत के यहाँ, जगत के न्याय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुदरत के न्याय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वहां हमें जागृत रहने का, सचेत हो जाने का, ऐसी कोई गलती हो रही है तो। तो दूसरे तरह से बात समझाओ, समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। हाँ जी, मान लो कि आप शादी करके आए जी, 50-60 साल पहले शादी करके आए। हाँ जी, तो मान लो कि आपके साथ बहुत तेज स्वभाव के, मान लो थोड़ी देर के एग्जांपल दे रहा हूँ वहां तक, ठीक है, कोई तेज स्वभाव के है तो आपका उनके साथ कितना जमेगा? जवानी में टाइम लगेगा, मुश्किल होगी थोड़ी, मतलब बहुत कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता है,
अभी उस समय मान लो कि सास आपको कुछ बोल दिया नई नई शादी करके आए थे, साल दो साल ही हुआ था, अब बंसल साहब गिरा के बैठे थे उस समय, आपके सामने भी नहीं देख रहे थे, वो सारा वीडियो आपका आज की डेट में भी पूरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा एग्जैक्ट? समझी नहीं है मतलब इसका, वो पुराना वीडियो पूरा एग्जैक्ट सीन आपको दिखाई देगा कि नहीं आज की डेट में भी? कब का सीन, कौन सा सीन? बराबर वो वीडियो ब्लर भी नहीं होगा? हाँ अच्छा, बंसल साहब का मतलब? हाँ तो वो मैं भीतर नौत पड़ी हुई, नॉट नौ देखे भी बंसल जी ने ऐसा किया था, सास ने ऐसा किया था, तभी वो नौत क्यों पड़ी है? तो हम खुद करता होकर वो सब, और जो अभिप्राय था वो घर हो गया। अच्छा तो क्या होगा, हमारा इतिहास दिखेगा कि भाई उस टाइम ऐसा क्या, उसके बाद ऐसा क्या, उसके बाद ऐसा क्या, वो सारा ही इतिहास भूगोल हाजिर हो जाएगा, हिस्ट्री हाजिर हो जाएगी आपको। अच्छा तो हिस्ट्री हाजिर होगी तो मुझे भीतर बढ़ेगा कि कम होगा? गुना बढ़ेगा देखने से, भैया उसने इतना बड़ा गुना मेरे साथ किया। जैसे वो सामने आएगी सास, उसी के साथ सारी बातें हाजिर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। देखिए ये क्या हुआ, देखिए भीतर जो नौत पड़ी हुई है उसके कारण आज भी आप उसको कर्ता के रूप में देख रहे हैं, और कर्ता के रूप में कब देख रहे थे कि पहले आप खुद कर्ता बन जाते हैं, शुद्धात्मा की सीट छोड़ के आप खुद मिसेस बंसल जी हो जाते हैं, इससे सारी पजल खड़ी हो जाती है दोबारा। यहाँ जो नौत पड़ी हुई है वो समझने के लिए समझ लो कि वो गुना हो गया, अभिप्राय पड़ा वो सामान्य भाव से दोष है, और ये जो नौत हो गई वो गुना हो गया, वो गुना हो गया। आगे अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, नोट को कम करने के लिए लूज मिसेस बंसल जिनके अंतस्करण के साथ बातचीत करनी पड़ती है कि भी ये जो नौत पड़ी हुई है वो किसको नुकसान कर रही है? मिसेस बंसल को कर रही है अभी तो। एक और मिसेस बंसल जी छूटना चाहती है कि नहीं अभी सारे अकाउंट सेटल करके मुझे छूटना है? बराबर छूटना चाहती है। अभी उसके सामने अभी जो भीतर नौत है पड़ी हुई है वो हमारे वो श्रवण को सपोर्ट कर रही है कि उसको काट रही है? सपोर्ट कर रही है। नहीं सपोर्ट क्या कर रही है? अच्छा एक और आपको छूटना है, भीतर नौत पड़ी हुई है और अभी भी नौत के पक्ष में ही चालू हुए है तो फायदा नहीं होगा ना? फायदा होगा उससे, फायदा जब जब आपका अभिप्राय बदलेगा कि नहीं अभी ये जो नौत पड़ी हुई है मेरे लिए नुकसान कारक है, मुझे नुकसान कर रही है, मुझे छूटने में हेल्प नहीं कर रही है, ऐसा समझ में फिट हो जाएगा। हाँ। नॉर्थ को सपोर्ट देना बंद हो जाएगा जी, ठीक है, और वो कंटक की तरह चुभती रहेगी आपको भीतर में, कांटे की तरह आपको चुभती रहेगी, तो फिर आप उसका पक्ष छोड़ेंगे ना? बात क्लियर हो रही है? जी हो गई। ठीक है, इतना ही ख्याल में रखने का उसका पक्ष नहीं लेने का, पक्ष नहीं लेने का, और भीतर वो कांटे की तरह चुभता रहना चाहिए, नोट चुभता रहना चाहिए। हाँ वो नोट कांटे की तरह चुभती रहेगी तो आप उसका आलोचना प्रतिक्रम प्रत्याघात यथार्थ रूप से करेंगे। अच्छा कैसे करेंगे? चुभेगी तो उस वक्त निकाल करना है। हाँ चुभेगी तो आपको ख्याल में रहेगा कि कंटक चुभ रहा है तो मुझे भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो चुभता ही रहेगा, लगता रहेगा। तो चुभना तो फिर उपकारी हो गया, चुभा तो अच्छा हुआ मेरा निकाल हो जाएगा। हाँ चुभा इससे हमें जागृत किया कि भाई अभी हमारा निकाल करना बाकी है जी। तो अच्छा है ना, सामने व्यक्ति हमें जागृत करे तो अच्छा है ना। हाँ जागृत करे तो अच्छा
लेकिन उधर भीतर से उसका हुक्का मानेगा कि अच्छा क्या कि आपने मुझे जागृत किया। और कोई पूछना नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मिसेस बंसल जी, नाइंथ रेना मिनेशाना जी, हमारा समय खत्म हो गया है। मिसेस बंसल आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा, मिनेशाना जी बुलाते हैं। जी। नमो वित्रागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंतानम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धानम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियानम। नमो आयरियानम। नमो वज्जायानम। नमो वज्जायानम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव चाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पावप्पनासनो। सव पावप्पनासनो। मंगलानं च सव्वेसिं। मंगलानं च सव्वेसिं। परमं भवै मंगलम्। परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।